अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की जानिब से न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से 18 से 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, बाय पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, तमाम डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर अनाउंस होने वाली जॉब्स की वीडियोज़ के हवाले से आप लोग अपडेटेड रह सकें। मैं हूँ सैयद फरहान अहमद जैदी और आप लोग देख रहे हैं सोशल सर्कल। दोस्तों, कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की जानब से एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सबसे पहले वैकेंसी है एम स्टोर्स यानी कि असिस्टेंट मैनेजर स्टोर्स के लिए। अप्लाई करने के लिए एजुकेशन आपके पास बीबीए या फिर ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में, आपके पास एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से होना जरूरी है। 3 साल एक्सपीरियंस आपके पास क्लियरिंग का, फॉरवर्डिंग ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मटीरियल्स के हवाले से होना जरूरी है। इसके अलावा आप फेमिलियर होने चाहिए यूसीपी यानी कि यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस के हवाले से, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट कस्टम्स एंड पेपर रूल्स के हवाले से। अगर आप रिटायर्ड पाकिस्तान नेवी के पर्सनल हैं तो आपको तरजीह दी जाएगी। 45 साल तक के मतदाता इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे वैकेंसी है सीनियर सुपरवाइजर या फिर सुपरवाइजर पर्सनल असिस्टेंट की। ग्रेजुएशन आपके पास होने चाहिए एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 8 से 10 साल एक्सपीरियंस आपके पास किसी भी अच्छे इदारे में काम करने का होना चाहिए। एमएस ऑफिस डाटा एंट्री और डाटा मैनेजमेंट के हवाले से आपके पास अच्छी कमांड होनी चाहिए। आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस सेक्रेटरी के हवाले से, रिकॉर्ड मेंटेन करने का 5 साल ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको तरजीह दी जाएगी। 45 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 पे वैकेंसी है सीनियर सुपरवाइजर या फिर सुपरवाइजर स्टोर्स की। ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए किसी भी एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से। 5 से 10 साल एक्सपीरियंस फील्ड के हवाले से होना जरूरी है। कंप्यूटर के हवाले से आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। पेपर रूल्स के हवाले से आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 पे वैकेंसी है सुपरवाइजर कैलिब्रेशन की। एजुकेशन इसके अंदर भी डिप्लोमा या फिर बीटेक मैकेनिकल रिक्वायर्ड है। 5 से 10 साल एक्सपीरियंस फील्ड के हवाले से आपके पास होना जरूरी है। 45 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है सुपरवाइजर केमिकल की। डिप्लोमा या बीटेक आपके पास केमिकल में होना जरूरी है। 5 से 10 साल एक्सपीरियंस फील्ड के हवाले से आपके पास होना चाहिए। केमिकल्स के हवाले से, मेटल्स और मिनरल्स के एनालिसिस के हवाले से 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है पीसी ऑपरेटर की। इंटरमीडिएट एजुकेशन होना जरूरी है, 2 साल एक्सपीरियंस फील्ड के हवाले से आपके पास होना चाहिए। आईटी के अंदर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट होना जरूरी है। 35 साल तक के मर्द और खवातीन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है ड्राइवर की। मिडिल पास तालीम आपके पास होनी जरूरी है, तरजीह दी जाएगी अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है। 3 साल एक्सपीरियंस आपके पास ड्राइविंग का होना जरूरी है। एलटीवी लाइसेंस आपके पास वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 35 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वैकेंसी है कासिद की। एजुकेशन इसके अंदर भी मिडिल रिक्वायर्ड है, मैट्रिक को आपको तरजीह दी जाएगी। 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास फील्ड के वाले से होना जरूरी है। 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का ऑनलाइन तरीका इस वेबसाइट के ऊपर जाके है, वो कैसे है अभी आपको आगे मैं दिखा दूंगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते तो आपको अपनी किसी भी तमाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपका शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल पीआरसी, तमाम चीजों की फोटो कॉपी आपने उनको भेजनी है। 15 दिन के अंदर अंदर आपका एड्रेस जो है वो ये है जहाँ पे आपने भेजनी है, कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, डाकियाट रोड, वेस्ट वाफ, कराची 74000। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट खोलेंगे आप कराची शिपयार्ड .com.pk के, यहाँ पे मोर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कैरियर्स पे आप आ जाएंगे। कैरियर्स पे आने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको कैरियर्स के हवाले से मालूम मिल जाएगी, जिसके ऊपर अभी हमने बात करी है। यहाँ पे एक्टिव वैकेंसीज दिखी हुई आ रही है। शुरू में 2 शॉर्ट कोर्सेज हैं जो कि अभी कराची शिपयार्ड करवा रहा है। इसके वाले से पढ़ना चाहें तो व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं। 100-100 इसके अंदर आसामियाँ हैं, काफी सारे कोर्सेज हैं। इसके बाद हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पीसी ऑपरेटर के लिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है 26 जनवरी आखिरी डेट है, 1 इसकी सीट है, बाकी तमाम की आगे भी सीट्स लिखी हुई आ रही हैं। आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे, आप चाहें तो दोबारा डिटेल पढ़ सकते हैं। इसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कोई अकाउंट बनाने का यहाँ पे चक्कर नहीं है, अपनी सिर्फ आपने इन्फॉर्मेशन भरनी है। इसके बाद अपने शनाख्ती कार्ड, लेटेस्ट तस्वीर, अपनी सीवी और अपनी डिग्री अपलोड करनी है और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और ये काम आपने 26 जनवरी से पहले पहले करना है। तो दोस्तों, यदि कंप्लीट वीडियो कराची शिपयार्ड में आने वाली जॉब्स के हवाले से, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।